देखो जो प्रश्न का सवाल है, जो नवगुणा भाग हम लगा रहे थे उसको दशमलव में चेंज करके हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। सवाल है यहाँ पे, सवाल नंबर एक है आपका, जैसे 120 का ये लगाए थे 5%, ध्यान देना, माइनस 160 का 8%, धन 250 का 6%, ठीक है। बस चलो ये ध्यान दो, अब इसको हमें दशमलव बदलना है, कैसे ध्यान से देखो पर कैसे क्या करते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं दशमलव बदलने के लिए, फिर से देख लड़के, ए 5% को दशमलव में बदलना कैसे बताया था, 5/100 लिखते हो, ऊपर अगर एक अंक है लड़के, ध्यान देना और ठीक से बैठो, ध्यान से देखो सुनो समझो, फिर मैं पूछूंगा तुमसे बताने के बाद, बताने के बाद फिर पूछूंगा कैसे आया कहां से आया, ये सुन लेना। बताया था एक बार, फिर बता रहा हूं, यहाँ देखो ऊप, यहाँ नीचे कितना, हर में कितना जीरो है, दो जीरो है, अंश में कितना अंक है, एक है, तो जब एक अंक है, बताया था कि हर में अगर एक जीरो है तो दशमलव एक स्थान पे लगता है, दो जीरो है तो दो स्थान पे, तीन जीरो है तो तीन स्थान पे, चार जीरो है तो चार स्थान पे। बात समझ में आई, यहाँ दो जीरो है दो स्थान पे लगेगा, लेकिन ऊपर हमारे पास अंक कितना है, एक ही है ना, दो कहाँ है, एक है। तो क्या करोगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, अब यहाँ दशमलव तुम लगा सकती हो, दो अंक लग गया, नहीं लग गया, लग गया ना, और लगा करके इसको काट दो, कितना आया, जीरो पॉइंट जीरो फाइव, समझ में आया कि नहीं आया, एक पकड़ में सबको आया। फिर आगे देखो, अब जहाँ से 8% है, 8% इसका क्या होगा, 8/100 कितना आएगा, जल्दी बोलो, जीरो पॉइंट जीरो एट, हाँ जीरो पॉइंट लगा दो काट दो, कितना है, जीरो पॉइंट जीरो एट, सबको समझ में आ गया ना। हाँ, बाबू इधर देखो, अब आगे तो यानी 120 का माने गुणा ये 5% कितना होगा, जीरो पॉइंट जीरो फाइव, यही होगा ना, माइनस 160 का माने गुणा 8% कितना होगा, जीरो एट, ए धन 250 ना का गुणा ए कितना होगा, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स, ठीक। अब गुणा की बात है, ध्यान देना, फिर गुणा की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास है देखो 1000 मान 200, 1200, और हमें गुणा करना है 0.002 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, हमें इस जीरो का, ये तो जीरो है ना, इन जीरो से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है उससे, कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है बाबू, ध्यान देना बता रहा हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं करना। यहाँ क्या लिखा है, दो, 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 क्या लिखा है, दो, दो, इसका इस पूरे का गुणा बस दो से कर दो, किससे कर दो, दो, बात समझ में है। हाँ, अब जिसे बताया था ना, देखो 10 गुणित 5 है, एक जीरो है ना, लिखे 5 एक क्यों, 5, बात सुन ना, अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 24 गुणित क्या है, 20 है ना, ध्यान देना, एक जीरो है, जीरो यहाँ लगा लिया, ए जीरो यहाँ लिख दिया, ए जीरो कहाँ लिख दिया, ए जीरो यहाँ लिख दिया, 5 एक 5, ए जीरो यहाँ लिख दिया, ध्यान दो, और 24 गुना कितना होगा, 48, बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देख लो, यहाँ जैसे यहाँ देखो 1800 है गुणित 9 है, ध्यान दो क्या है, ये दो जीरो है ना, दो जीरो, यहाँ दो जीरो लगा दिया, इस दोनों जीरो को उठा करके मैं यहाँ रख दिया किनारे में, सबसे
किनारे में रख दिया। अब 18 में 9 का गुणा किया, 18 में 9 का 18 नवा होता कितना है, जल्दी बोलो, 162। 18 नवा कितना होता है, गुणा हो गया मेरा 16,200। बात समझ में आई कि नहीं है, सबके पकड़ में आया कि नहीं है। अब देखो जैसे अब यहाँ बात किया, गुणा समझ में आया आपके, अब यहाँ बात किया मतलब दशमलव है आपके। देखो 1800 गुणित 0.09, ध्यान दो, गुणा वही करना है, गुणा वही किया 16,200 आया, गुणा वही आया। इस जीरो से हमें कोई मतलब नहीं था, हमने गुणा किया वही जो किया था ना, ध्यान देना, ध्यान समझना। अब लेकिन जब गुणा करने के बाद जब खाली हो गया तो दशमलव कितने स्थान पे है, दो। कितने स्थान बाबू, दो। तो दशमलव कहाँ से लगेगा, किनारे से, हाँ, किनारे कहाँ, ये है, हाँ, एक दो, दो। एक दो, कितना आंसर आया 162, आंसर कितना आया 162। बात समझ में आया कि नहीं है, हाँ। एक प्रकरण में सबको आया कि नहीं है, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ आगे, हाँ तुम खड़े जाओ लड़के, यहाँ है एक 18,000 है, कितना है 18,000 गुणित 0.00002, एक गुणा है, बताओ तुम फटाक से कितना होगा, जल्दी बोलो, 18 × 36 लिख लिया, अब क्या करें, जल्दी बोलो, नहीं मालूम, चल से बता, तीन से जीरो लगा दो, कितना जीरो है, तीन, इन तीन जीरो लगाओ वहां पे, हाँ। कि नहीं रखी, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, गुणा करने में, गुणा करने में कोई मतलब ही नहीं है इसका, बैठ जा, गुणा करने में इन जीरो का कोई रोल ही नहीं है, अरे लड़के उठाओ चाहो समझ में आया, अब दशमलव लगाते समय इनका ध्यान देना होता है, कब, जब दशमलव लगाते हो तब ध्यान देना होता है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 कितने अंक पर दशमलव है, दशमलव है कितने पर लगेगा, चार अंक पर, कहाँ से गिनोगे, 1, 2, 3, 4 दशमलव वहां से गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं, उधर से 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर लगेगा, बात समझ में आया। अब दशमलव के बाद अगर जीरो है ना, किनारे में जीरो है, ध्यान देना करके, अगर किनारे में जीरो तुम 10, 20, 50 छोड़ दो कोई मतलब उसका नहीं है, नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया पकड़ में, बाबू आया, बैठ जाओ। अब देखो यही बात, यहाँ देखो अब आगे आगे बाबू देखो, आप सभी को मालूम है जीरो से मतलब नहीं है, ये जीरो है इसका वाला जीरो, यहाँ रख दिया। अब 12 × 12 = 5 कितना होगा, 60, 12 × 5 = 60 लिख दिया, हाँ। अब दशमलव लगाना है बाबू, हाँ। कितने एक लगेगा, दो लगेगा? दो ये इधर से 1, 2 6.00 आया, हाँ। आया कि नहीं आया, आया। चलो सर बाबू ठीक है, अब यहाँ बात इस जीरो को रख दे यहाँ किनारे पे, हाँ। अच्छा अब बताओ कितना होगा, 16 कितना होगा, 16 जल्दी से बोलो कोई, 128 ठीक है, कर लिया। दशमलव यहाँ कितने पे लगेगा, इधर से लगाओगे, इधर से 1, 2 कितना आ गया, 12 आगे आया। आओ बाबू यहाँ पे, यहाँ पे बाबू, अब यहाँ देखो जीरो है, रख दिया, रख दिया ना। अब 25 कितना होगा, 25 150 दशमलव कितने पे लगेगा, दो। कहाँ लगाओगे, इधर से, हाँ। लगा दिया, 15 बाबू हो गया, हाँ। बाबू हो गया, हाँ। यहाँ क्या है, 6 आया, हाँ। पहले अब किस क्या करोगे, पहले इन दोनों को जोड़ोगे ना, हाँ। बाबू ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है, नहीं सवाल गलती होगा, तो पहले इनका जोड़ होगा। अब 15 × 6 कितना होता है, 21 दशमलव जीरो माइनस 12 बाबू, अब घटा दो बाबू, 21 माइनस 12 भैया राजा
ये जीरो से कितना है, जीरो तो हमने दिया मान लो, ठीक है, ये इससे उधार लिया यहाँ पे, हाँ, दस हुआ, हाँ, यहाँ जीरो बचा, हाँ, दस में से आठ गया, दो, दो। दसमलव के ठीक सीध में क्या लगाओगे, अब यहाँ जीरो है, घटेगा तो नहीं घटेगा, उधार लिया दस हुआ, यहाँ एक बचा, दस में से दो गया, अब एक में से गया कुछ नहीं, बात समझ में, यहाँ कितना आंसर आया, आठ दशमलव दो, ये समझ में आया कि नहीं आया, बाबू लगा लो नहीं लगा लोगे, सवाल दे फटाफट फटाफट, चलो रेडी, फटाफट रेडी हो जाओ, तुम रेडी हो जाओ, रुक जाओ मैं सवाल दे रहा हूँ आगे, जल्दी करना, ठीक है, एक सवाल है, चलो ठीक है, बस एक सवाल दे रहा हूँ, यही ना, चलो फटाफट, हाँ बाबू इधर देखो, ओ लड़के देखो सवाल को फिर से देखो, इधर फिर से देखो, समझने की कोशिश करो, अब पहाड़ा मैं बोला कल पहाड़ा पूछूंगा आप सभी लोगों से, ठीक है, तीस तक पहाड़ा बोला था, तीस तक पहाड़ा कल फिर पूछूंगा, जवानी फटाफट याद होना चाहिए, ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता है, 7% का दशमलव में क्या होता है, जल्दी बोलो, 0.07 6% क्या होगा, 0.06 9% क्या होगा, 0.09 सबको मालूम है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, गुरुजी कोई परेशानी नहीं, गुरुजी ऐ लड़के तुमको कितनी बार टोका हूँ, तुम्हारा निगाह कहाँ रहता है, घर से पढ़ने के लिए आते हो ना, आए यहाँ देखो, अब क्या 130 है, काम आने बूढ़ा, इसका क्या होगा, 0.07 190 है, काम आने बूढ़ा, 0.06 210 है, काम आने बूढ़ा, 0.00 हो गया, लड़के हुआ कि नहीं, अब बताया था कि यहाँ 130 है, ध्यान देना 130 गुणी 0.07, तो हम क्या करते हैं, हम 13 का गुणा केवल 7 से करते हैं, इस जीरो को क्या करते हो, किनारे पे रख देते हो, किनारे पे हाँ रख देते हो, अब 13 से कितना है, 91 है ना, बोलो है कि नहीं, दशमलव यहाँ कितने पर है, गुणा करने पर लगाते हो दशमलव, इधर दशमलव लगाए तो अंक पर, बात समझ में है कि नहीं है, यहाँ पहले देखो किन लगा 13 से 91 दशमलव किन पर लगा, दो अंक पर लगा कि नहीं लगा, यहाँ देखो 190 गुणी 0.06 है, अब इस 19 का गुणा किससे करोगे, 6 से, यही ना 19 छक्का 119 छक्का, ये जीरो यहाँ रख दिया, यही लड़के दशमलव कितने सब लगाओगे, एक दो, एक दो कितना आया, 11.4 जीरो आया कि नहीं आया, माइनस 11.4 जीरो धन, इसका गुणा देखो 210 गुणी 0.09 21 का गुणा किससे कर रहा है, 9 से, 21 नवा कितना होता है, 189 ये जीरो कहाँ लगाओगे, दशमलव कितने स्थान पे है, दो, एक दो कितना आया, 18.90 आया कि नहीं है, बोलो अब जोड़ना किसको किसको है, देखो ध्यान से हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ना होगा ना, क्योंकि इसके सामने क्या है, प्लस चिन्ह है, ए मिस्टर कहाँ निगाह तुम्हारी, इसके सामने क्या है, प्लस है कि नहीं, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, ऑलरेडी क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, तो प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, 18.90 प्लस दशमलव के नीचे जोड़ में क्या होता है, जोड़ और घटाना में दशमलव के ठीक सीध में दशमलव को लगाते हैं, बात समझना, इधर ना उधर, अब यहाँ देखो 0 9 1
हाँसी नहीं लगा, दशमलव के सीध में दशमलव है, लगाओगे नौ अठ सत्रह एक हासिल कितना होगा, अठारह एक हासिल एक एक दो अट्ठाईस दशमलव कितना आया, अट्ठाईस दशमलव माइनस ग्यारह दशमलव चार किलो। अब घटाना है लड़के, ध्यान दो, ओ बाबू ग्यारह दशमलव चार जीरो घटाना, जीरो में चार घटेगा नहीं ना, उधार लिया यहाँ दस हुआ यहाँ सात बचा, दस में चार गया छः, दशमलव के सीध में दशमलव, सात में से एक गया दो में से एक गया कितना आया सोलह दशमलव छः, कितना आया आया कि नहीं आया, लगाओगे आप सभी लोग दे अगला गारंटी लगाओगे, चलो 100% की बात कर रहे हैं, 100% देख रहा हूँ कौन कौन लगाता, चलो आओ मैं देख रहा हूँ, सर गलत सही की बात थोड़ी है, लगाना है गलत सही लगाएंगे, हाँ ठीक है लग गया चैलेंज, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ देख रहा हूँ चैलेंज में काहे घबरा रहे हो, बस ठीक है हाँ गुरुजी अब मत बढ़ाइए, चलो ठीक है हार जाएंगे, हार जाओगे गुरुजी, हाँ गुरुजी हम जीत जाएंगे, एक और प्लस लिख दूंगी यार, लड़के चिल्लाओ मत, चलो एक और प्रश्न लिख देता हूँ, चलो अब लगाओ, हाँ हाँ लगा रहे हैं, हाँ इधर देखो फटाफट फटाफट देखो सब लोग, ठीक है यहाँ ये बताओ मुझे बताओ पहले 4% बराबर क्या होगा दशमलव में, जीरो दशमलव जीरो चार, जीरो चार, और 5% क्या होगा दशमलव में, जीरो पाँच, 9% दशमलव में क्या होगा, 6% दशमलव में क्या होगा, और 9% वही लिखे ठीक है, आओ देखो अपने यहाँ काम आने मालूम है सबको, बुरा है यहाँ कर ले क्या है, 0.04 217 यहाँ क्या है, 0.05 780 यहाँ क्या है, 0.09 ये लड़के ऋण 215 0.06 धन 1207 गुण 0.09 यही है, है? अब बताओगे 17 चौका कितना होता है, अड़सठ दशमलव दो पर लगाओगे, इधर देखो दशमलव दो पर है, अब यहाँ पूरा करो सात पाँच सत्ते रुक जाओ, 5 सत्ते कितना होगा, 35 3 5 1 5 3 8 और 5 2 10 दशमलव दो पर लगाओगे कितना आया, आया यहाँ पूरा करो 9 8 72 हाँसी लगा 7 963 और 7 कितना होगा 70 दशमलव दो को लगेगा कि नहीं लड़के, यहाँ देखो 15 छक्का 90 और 6 2 12 दशमलव दो को लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ देखो 9 7 63
और 12 9 108 ये लड़के ना 10.2 को लगाओ फटाफट, हो गया कि नहीं हुआ? अब जोड़ के कौन हो भाई? ये देखो जोड़ वाले कौन कौन है, ये तीनों जोड़ है, है ना कि नहीं? तो क्या करोगे, इनको जोड़ लो, इनको बराबर जोड़ लो, क्या है देखो 108 10.63 यही लिखो 108.63 धन क्या है 70.20 और 6.80 जोड़ना है, ठीक है? यहाँ क्या होगा 3 6 2 8 8 16 हाँसी लगा 1.1 के सीध में 10.814 15 हाँसी लगा 1 7 1 8 1 ये आ गया। अब देखो यहाँ ऋण में कौन होगा, देखो ध्यान, ये ऋण है ये ऋण है, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये दोनों जुड़ेंगे ऋण ऋण जुड़ता है धन धन जुड़ता है, ध्यान देना ऋण ऋण जुड़ता है धन धन जुड़ता है। यहाँ क्या है 10.85 धन 12.90 जोड़ोगे दोनों को 5 9 8 17.1 2 1 3 23.75 आया। अब घटाना है, क्या करना है 185.63 ऋण 23.75 यही ना उधार हो गया 13 हुआ यहाँ 5 बचा, अरे 13 हाँ 13 में से 5 गया 8 यहाँ 5 उधार लिया यहाँ 4 बचा 15 में 7 गया 8 दशमलव के सीध में और 4 में से 3 गया 8 में से 2 गया 1 कितना आंसर आया आया वो वर्क दे रहा हूँ फटाक दे लिख लो होमवर्क जल्दी लिखो बोले होमवर्क लिखो एक सवाल जवाब दो जल्दी लिखो फटाफट फटाफट लिख लो बराबर, हो गया सब नोट किए, ठीक है निकल जाओ घर, प्रणाम बाबू, प्रणाम, नमस्ते बाबू मालिक।